हेलो दोस्त स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ठीक है, चलिए आज की स्टडी हम क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं अजय, आपका ट्रेनर, दक्ष ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, क्या होता है टाइम मैनेजमेंट? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो भी काम हम करते हैं, कोशिश करते हैं कि टाइम के अंदर ही हो जाए। ठीक है, लेकिन हम उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। कोशिश लेकिन हमारी यही होती है कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं वो विद इन टाइम हो जाए। तो आइए आज हम जानते हैं टाइम मैनेजमेंट होता क्या है। तो इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज़ सिंपली अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन। टाइम मैनेजमेंट को हम यूँ कह सकते हैं कि ये हमारा खुद का डिसिप्लिन होता है ना, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन होता है हमारा ये। दूसरा है, देयर इज़ नो मैजिक फार्मूला, नो पीस ऑफ पेपर टू फिल इन विच विल सडनली मेक यू गुड एट मैनेजिंग योर टाइम। ठीक है, मैजिक मतलब जादू। कोई ऐसा जादुई फार्मूला नहीं होता है, या कोई ऐसा पेपर नहीं होता है, या कुछ ऐसी चीज़ नहीं होती है जिसे हम अपने आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर सकें और हम अपनी सारी चीज़ बहुत अच्छे से कर सकें। एवरी वन हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू एंड नॉट इनफ टाइम टू डू इट। ठीक है, हम सभी को बहुत सारे काम होते हैं लेकिन उतना टाइम नहीं होता है कि हम अपना काम ऑन टाइम कर सकें, टाइमिंगली उसको पूरा कर सकें। ठीक है, बिफोर यू स्टार्ट टू प्लान ऑन व्हाट एंड व्हेन यू स्पेंड योर टाइम, यू नीड टू नो हाउ मच टाइम यू हैव अवेलेबल टू यू। जब तक आप काम स्टार्ट नहीं करते हो, जब तक आप काम को पूरा करने की कोशिश नहीं करते हो, तब तक आपको ये नहीं पता चलता है कि आपके पास कितना टाइम है उस काम को पूरा करने के लिए, या आपने कितना टाइम स्पेंड कर दिया है उस काम को करते हुए। ठीक है, द वे यू मैनेज एंड बजट योर टाइम इज़ वेरी सिमिलर टू द वे यू मैनेज एंड बजट योर मनी। ठीक है, कहते हैं ना टाइम और टाइम इज़ मनी। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात बताई जा रही है कि जैसा आप अपने पैसे को खर्च करने के लिए प्लान करते हो कि मुझे इतना पैसा यहाँ पे खर्च करना है, इतना पैसे में ये करना है, वो करना है, वैसे ही आपका टाइम भी प्लान होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जितना भी टाइम है आप उसको किस तरीके से और कहाँ इफ़ेक्टिवली अच्छे तरीके से खर्च कर सको, जिससे कि आपको आपके टाइम का बेनिफिट या फ़ायदा मिल सके। तो आइए आगे चलते हैं। हाउ डू यू मैनेज टाइम, आप टाइम को मैनेज कैसे करोगे? ठीक है, तो उसमें है आइडेंटिफाई योर प्रायोरिटीज़। अपनी प्रायोरिटी को पहले आइडेंटिफाई करो, मतलब कि आप कौन सा काम पहले करना चाहते हो उसको आइडेंटिफाई करो। और उसमें कुछ चीज़ें आप खुद से सवाल कर सकते हो, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर जॉब, मतलब कि मैं ये जो चीज़ कर रहा हूँ उसका पर्पज़ क्या है, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, व्हाट आर यू एक्सपेक्टेड टू डू। अगर आपने उस काम को कर रहे हो तो आपका कुछ उम्मीद होगा, कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी कि आप क्या कर रहे हो। व्हाट इज़ द टाइम स्केल फॉर डूइंग इट, आप उस चीज़ को कितने टाइम स्केल में कर लोगे या कितना टाइम में आप उसको कर सकते हो। व्हाट डू यू नीड टू डू, आपने जब पर्पज़ भी जान लिया, टाइम एक्सपेक्टेशन भी हो गई कि आपको रिजल्ट ये मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपने टाइम भी डिसाइड कर लिया, तो आपको ये करना है कि व्हाट डू यू नीड टू डू, आपको क्या करना चाहिए, जो कि विच टास्क डू यू नीड टू कैरी आउट इन ऑर्डर टू अचीव दैट पर्पज़। आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आपका जो पर्पज़ है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, वो टाइम के अंदर आपको आप पूरा कर लो और आपको अच्छा सा रिजल्ट मिल जाए। प्रेजेंटेशन स्किल, अब आइए हमारा दूसरा चीज़ बात करते हैं प्रेजेंटेशन स्किल के ऊपर। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन की स्किल जैसा ये होता है कि आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे आपको कुछ चीज़ें प्रेजेंट करने हो जाती हैं। जैसे आप नॉर्मली स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट में जब आप जाते हो तो आपको सबसे पहले बताया जाता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या आप अपने बारे में कुछ बताओ। तो वहीं होता है कि आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, मतलब आप अपने बारे में बताते हो। ठीक है, तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन स्किल्स के कुछ चीज़ होती हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, या कुछ आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रेजेंट किस चीज़ को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, तो आइए उस बारे में हम बात करते हैं। प्रेजेंटेशन इज़ अ मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग योर आइडियाज़ एंड थॉट्स ऑन अ गिवन टॉपिक। प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि एक कम्युनिकेटिंग, जब आप अपने आइडिया को किस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो, या अपने थॉट्स जो हैं आप उसको किसी भी दिए हुए टॉपिक पे आप किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हो। ठीक है,
प्रेजेंटेशन स्किल का मतलब ये होता है कि आपको मान लीजिए कोई टॉपिक दे दिया गया है, तो आपका विचार क्या है और आपके आइडिया क्या है, आपके ख्याल क्या है उस टॉपिक के बारे में, आप उस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है। प्रेजेंटेशन कैन बी वेरी इफेक्टिव इन मेकिंग योर पॉइंट क्लियर। प्रेजेंटेशन का मतलब ये भी होता है कि आपका पॉइंट उससे क्लियर होता है और इफेक्टिव होता है, ठीक है। जब आपका प्रेजेंटेशन जब अच्छा ही नहीं होगा, इफेक्टिव ही नहीं होगा, तो कोई उतना ध्यान नहीं देगा, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, प्लान योर प्रेजेंटेशन, अपने प्रेजेंटेशन की आप प्लानिंग करो, ठीक है। तो उसमें सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, यू मस्ट बी थरोली कन्वर्सेंट विद द सब्जेक्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन। आपको सब्जेक्ट प्रेजेंटेशन का सब्जेक्ट पता होना चाहिए, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको वो टॉपिक पता होनी चाहिए जिस चीज़ के बारे में आप एक्सप्लेन करने वाले हो या प्रेजेंट करने वाले हो। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कलेक्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, बुक्स एंड जर्नल्स, इंटरनेट एट्सेट्रा। जिस भी सब्जेक्ट के बारे में आप प्रेजेंट करना चाह रहे हो या करना चाहते हो, उसके बारे में आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना चाहिए, इन्फॉर्मेशन ले लेना चाहिए कि क्या क्या ज़रूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस टॉपिक में क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होगा। अब वो इन्फॉर्मेशन आप कहाँ कहाँ से ले सकते हो, या तो आपके खुद के नॉलेज से हो, एक्सपीरियंस से हो, या बुक्स पढ़ो, या जर्नल्स पढ़ो, या इंटरनेट, किसी भी माध्यम से आप किसी भी टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। प्रिपेयर योर प्रेजेंटेशन, जब आप प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार हो ही गए हो, तो आप उसको सबसे पहले तो प्रिपेयर करोगे ना। इन्फॉर्मेशन आपने ले लिया, तो उस इन्फॉर्मेशन को कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे होनी चाहिए और क्या चीज़ कहाँ पे बोलना चाहिए, वो चीज़ के लिए तो आप प्रिपेयर होगे ना। तो आइए बात करते हैं प्रिपेयर योर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को आप कैसे प्रिपेयर करोगे। राइट द स्क्रिप्ट्स इन पॉइंट्स, जो भी चीज़ें आप लिखो वो पॉइंट्स में होने चाहिए, ना कि एक पैराग्राफ में, ठीक है। इंट्रोडक्शन, आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया तो मतलब ये आपका एक पॉइंट हो गया इंट्रोडक्शन। अब इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप जैसे इंट्रोडक्शन लिख लिए तो पूरा इंट्रोडक्शन के बारे में आप पूरा एक्सप्लेन करो, नहीं। इंट्रोडक्शन अगर आपने पॉइंट लिख दिया तो वो इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए कि आप इंट्रोडक्शन में क्या कहोगे, ठीक है। मेन बॉडी पॉइंट्स यू वांट टू डिस्कस, फिर मेन पॉइंट्स होने चाहिए जो आप डिस्कस करना चाहते हो। प्रिपेयर नोट्स ऑन स्मॉल इंडेक्स कार्ड फॉर यू टू यूज़ व्हेन मेकिंग अ प्रेजेंटेशन। जब आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो, कोशिश करो कि आप एक छोटा सा नोट्स आप प्रिपेयर कर लो, या छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लो जो कि आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, या इसको समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप थोड़ा बहुत हिंट ले सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रैक्टिस योर प्रेजेंटेशन, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो उसके पहले आपका प्रैक्टिस होना चाहिए प्रेजेंटेशन के बारे में, ठीक है। तो प्रैक्टिस इधर बाई योर सेल्फ और इन फ्रंट ऑफ ए स्मॉल ऑडियंस। प्रैक्टिस करने का भी तरीका अलग होना चाहिए, या तो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो कई लोगों के बीच में आप प्रैक्टिस करो। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको लोगों के सामने बोलने का तरीका पता होगा, आपकी जो गलती है, जो हेजिटेशन है, वो ख़त्म होगा, ठीक है। यू कैन डू सो ऑन इन फ्रंट ऑफ मिरर ऑल्सो इफ़ नो बडी इज़ अवेलेबल। अगर आपके पास लोग नहीं है या ऑडियंस नहीं है या, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि अपने आप को शीशे के सामने खड़ा कर लो। बेसिक सा फॉर्मूला है कि जब भी आपको कुछ चीज़ बोलना हो, जहाँ पे आप डरते हो, हेजिटेट करते हो, लोगों के सामने नहीं बोल पाते हो, तो आप सबसे इजी सा काम करो, शीशे के सामने खड़े हो जाओ और जो भी बात बोलना है आप शीशे के सामने खड़े होके बोलो। चेक योर टाइमिंग, क्वाइट ऑफन यू मे हैव टू कीप टू टाइम लिमिट, ठीक है। आप किस टॉपिक को कितने देर में बोल ले रहे हो, या आपकी टाइमिंग कितना ख़त्म हो रही है उस चीज़ को एक्सप्लेन करने में। तो अगर आपकी टाइमिंग सही है तो कोई बात नहीं, अगर आपकी टाइमिंग फ्लक्चुएट हो रही है तो आप कोशिश करो कि टाइम लिमिट में आप काम कर लो, ठीक है। हेंस इट इज़ बेटर टू चेक वेदर यू कन्फर्म टू इट नीदर लेस नॉर मोर, ठीक है। आप कन्फर्म कर लो कि जो भी चीज़ें आप बता रहे हो वो एक ना ही ज़्यादा होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए। आप चीज़ों को उतना ही एक्सप्लेन करो, उतना ही बताओ जितना कि सुनने और समझने में अच्छा हो, ठीक है। टिप्स टू प्रेजेंट योर प्रेजेंटेशन, कुछ टिप्स होता है कि आप प्रेजेंटेशन को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप इसको
कोशिश करो कि बड़े ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो। गेट रीड ऑफ स्टेज फियर। स्टेज फियर का मतलब होता है लोगों के सामने बोलने में डरना। कभी कभी होता है कि जब हम 10 लोगों के सामने या 100 लोगों के सामने हमको खड़ा कर दिया जाए या हमें कह दिया जाए कि आपको इस चीज़ के बारे में बोलना है, तो हम जनरली वहाँ पे नहीं बोल पाते हैं, डर होने लगता है हमको कि हम कहीं ना कहीं गलत ना बोल दें। ठीक है, तो ऐसा ना हो, स्टेज फियर नहीं होना चाहिए आपके पास। आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, आप नॉर्मली बात करो, जैसे सबसे बात करते हो वहाँ पे, चाहे जितने भी लोग हों उनके सामने भी आप नॉर्मली बात करो। मेंटेन प्रॉपर एंड रेगुलर आई कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस। आप अपना आई कॉन्टैक्ट बनाए रखो, ठीक है, और ऑडियंस के साथ जितने भी हैं आप उनसे कॉन्फिडेंस बना के रखो, आई कॉन्टैक्ट बना के रखो, नॉर्मली रहो। यूज़ हैंड मूवमेंट एंड जेस्चर टू एम्फेसाइज योर पॉइंट्स। आप अपने हैंड जेस्चर को, अपना जो भी आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आँख हो गया, माउथ का फेसियल एक्सप्रेशन हो गया, आपका हाथ का मतलब फ्लो करने का तरीका, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। एट द एंड आस्क इफ देयर एनी क्वेश्चंस, आंसर देम विद कॉन्फिडेंट। जब आपने प्रेजेंटेशन दे दिया है, आपने कुछ सब कुछ बता दिया है, तो ऑडियंस से आप पूछो कि कहीं कुछ उनके दिमाग में कोई सवाल तो नहीं है। अगर उनके पास कोई सवाल है तो उस सवाल का जवाब आप बहुत ही कॉन्फिडेंस तरीके से दो। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। मैनेजिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो हमारा अगला बात हम करते हैं स्ट्रेस के ऊपर। जो स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। आप अपने तनाव को कैसे मैनेज करोगे। हालांकि हम सभी जानते हैं कि हमको तनाव, गुस्सा, टेंशन हो ही जाता है किसी न किसी वजह से, तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे। ठीक है, तो कहते हैं ना, एक कहावत है, चिंता चिता के समान होती है। तो नहीं, तो हमको चिंता चिता नहीं बनाना है, हमको बस जो भी अपना स्ट्रेस है, जो भी एंगर है, जो भी तनाव है, उसको मैनेज करना है, कम करना है। ठीक है, स्ट्रेस इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्ट्रिंगर, मीनिंग टू टाइटेन। स्ट्रेस का एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है स्ट्रिंगर, इसका मतलब होता है टाइटेन, मतलब बहुत टाइट। ठीक है, नाउ पीपल टॉक ऑफ स्ट्रेस विथ रेफरेंस टू मेंटल प्रेशर इन परफॉर्मिंग ए सर्टेन टास्क। अगर आपको कोई ऐसा टास्क दे दिया जाए या कोई ऐसा होमवर्क दे दिया जाए, तो आपको थोड़ा सा टेंशन हो जाता है, थोड़ा सा आप टेंशन में आ जाते हो, जो चीज़ आपको पता नहीं होता है कि आप कैसे करोगे, क्या करोगे, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा मेंटल प्रेशर आ जाएगा, आप टेंशन में आ जाओगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, कोई भी टास्क हो आप नॉर्मल सोचो, नॉर्मली तरीके से ढूंढो, तो आपको जवाब मिल जाएगा। और हैविंग सम काइंड्स ऑफ सिचुएशन विच इज़ वरिंग देम। हम स्ट्रेस में तब होते हैं जब हमको कुछ ऐसा सिचुएशन आता है जो कि हमको टेंशन में डाल देता है। बहुत सारे तरीके की टेंशन होती हैं, बहुत सारे तरीके की ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे आप टेंशन में या स्ट्रेस में आ जाते हो। ठीक है, तो हमारा आज का क्लास एंड होता है। आशा करता हूँ कि आप सभी को जो हमारा क्लास है अच्छा लगा होगा, और अगर आपके पास कोई डाउट हो तो मुझे बेझिझक आप पूछ सकते हो। थैंक यू।